स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आप सभी का प्रिया पावर एजुकेट पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पर पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक देख लीजिए, नाउन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नाउन का डिस्कशन करेंगे हम लोग, एक एक चीज़ लेकर मैं आस्पेक्ट्स लेके चलता हूँ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आओ जरा देखते हैं इस नाउन के बारे में। देखिए, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं इस पर ही हैं जो आप मेरे साथ सीखेंगे। ठीक है, तो अगर इस नाउन वर्ड के नाउन की मैं डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात फिर से सुनिए, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग्स, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं कुछ नई चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखो, इस नाउन वर्ड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो मैंने लिखा है नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। इनकी कैटेगरी वाइज भी, इनको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है, इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की बात करो तो पहली जो कैटेगरी होती है वो विजिबल कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। जो विजिबल कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है उस पर बात की जाती है हमारे किसकी, इस विजिबल कैटेगरी के अंतर्गत बात की जाती है किसकी, पर्सन प्लेस और थिंग्स के। ठीक है, इस पर इनका जिक्र होता है। ठीक है, अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें विजुअल के बाद, ठीक है, इस विजुअल के बाद अगर हम बात करें तो दूसरी कैटेगरी हमारी है फेल्ट ओनली। ठीक है, इस फेल्ट ओनली का मतलब क्या है, यहां पर जिक्र होगा FAQS। इस F का मतलब है फीलिंग, A का मतलब एक्शन, Q का मतलब क्वालिटी और S का मतलब स्टेट। ठीक है, तीसरा जिक्र करूं मैं तो यहां पर जिक्र होगा किसका, यूनिट का। ठीक है, जो यूनिट्स होते हैं, जो हमारे यूनिट होते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, यूनिट की। तो ये कैटेगरी बनेगी हमारी, एक यूनिट कैटेगरी बनेगी किसकी, नाउन की। ठीक है, तो पर्सन प्लेस थिंग्स ही केवल नाउन नहीं है। लिखा हुआ कोई वर्ड नाउन कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, डिपेंड करता है उसका यूज पर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आइए चलो देखते हैं, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ फिर इसका क्लैरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे चलिए देखिए, लिखे हुए सेंटेंस पर हमें बताना है कि नाउन कौन सा है। ठीक है, अब इन नाउन को समझने के लिए हमें करना क्या है, इन नाउन को समझने के लिए देखिए, जो हम ग्रामर पढ़ते हैं वो जो ग्रामर है हमारी, जिस ग्रामर का हम लोग जिक्र करते हैं, जिस ग्रामर को हम पढ़ते हैं वो हमारी ग्रामर होती है कैसी भी है, फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कैसा ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर। और फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत ये बात कही जाती है कि जो नाउन है वो केवल पर्सन प्लेस थिंग्स ही नहीं है। ठीक, इनको तीन कैटेगरी में बांटा है, विजिबल कैटेगरी, फिल्ट ओनली और एक यूनिट का। ठीक है, अगर मैं इनका जिक्र करूं तो फंक्शनल ग्रामर में क्या होता है, जब फंक्शनल ग्रामर में हम नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जब नाउन का हम करते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जब नाउन का हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन तो हमें आस्पेक्ट्स मिलते हैं कुछ, कि जो वर्ड्स जिक्र करे किसका, सेंस हो भैया किसका, व्हाट का। ठीक है, या फिर हु का या फिर होम का। अगर लिखे हुए वर्ड पर व्हाट, हु या होम का जिक्र होता है, सेंस आता है, तो लिखा हुआ वर्ड हमारा कहलाएगा नाउन। ठीक है, अगर इस बार एक एक करके चेक करते हैं, मैंने लिखा हु कॉल्ड मीना, तो कौन है भैया, हु कॉल्ड मीना, नाउन। ठीक है, रीना कॉल्ड होम, होम का सेंस मिला तो मीना भी हमारी क्या होगी भैया, नाउन। ठीक है, लिखा भैया रोहन बॉट अ बुक, हु बॉट अ बुक, रिप्लाई मिला किसका,
हु का, तो हु का जिक्र करने वाला वर्ड नाउन। रोहन बॉट व्हाट, व्हाट का सेंस आया तो बुक, ये कैसी नाउन। नेक्स्ट लव चेंज अ हर्ट, ऐसे हमने इसको ढक पढ़े। हु चेंज अ हर्ट या हुम चेंज अ हर्ट या व्हाट चेंज अ वर्ड्स हर्ट, ठीक है। अगर जिक्र करें तो भैया लव चेंज अ हर्ट, तो लव क्या हुआ हमारा नाउन, ठीक है। लव चेंज व्हाट हर्ट, लिखा हुआ वर्ड हमारा क्या हुआ नाउन, ठीक है। टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, तो अगर मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं हु नेवर कम्स, ये तो बात तो बन नहीं रही। हुम नेवर कम्स, ये भी बात नहीं बन रही। व्हाट नेवर कम्स, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो नाउन हमारा केवल पर्सन प्लेस थिंग्स का ही जिक्र नहीं करता, ठीक है। इसकी तीन कैटेगरी बनी, विजिबल, फेल्ट ओनली और एक यूनिट, ठीक है। फेल्ट ओनली जो वर्ड होता है वो FAQS, फीलिंग एक्शन, ठीक है। क्वालिटी और स्टेट बताने वाले वर्ड भी हमारे नाउन कहलाते हैं, ठीक है। और लास्ट जो यूनिट का ग्रामर इसका सॉरी नाउन का पार्ट है वो यूनिट का है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आओगा। आगे देखो, आगे देखते हैं हम लोग कुछ। देखिए बेसिकली हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ नाउन पर, ठीक है। अगर हम जिक्र करें किसका, पार्ट्स ऑफ नाउन का, अगर पार्ट्स ऑफ नाउन का जिक्र करें तो नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं आइए जरा देखते हैं। प्रॉपर नाउन, ठीक है। देखो प्रॉपर नाउन जो होता है वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम होता है, पर्टिकुलर नेम, ठीक है। ये पर्टिकुलर नेम होता है बेसिकली, प्रॉपर नाउन जो होता है वो पर्टिकुलर किसी का पर्टिकुलर नेम होता है, ठीक है। पर्टिकुलर नेम कहने का मतलब देखिए, प्रॉपर नाउन का जो भैया फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर या इनिशियल लेटर हम कहते हैं फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है हमेशा अपर केस पर, अपर लेटर पर बोले या अपर केस पर बोले, अपर केस कह देते हैं या फिर हम बोल देते हैं ब्लॉक लेटर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो आप। और एक चीज, प्रॉपर नाउन के साथ देखिए, जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। आइए जरा एग्जाम्पल की बात कर ले हम, तो एग्जाम्पल का अगर मैं जिक्र करूं तो एग्जाम्पल में हमें करना क्या, जैसे मैंने लिखा करण, ठीक है, इसके पहले मुझे आर्टिकल लगानी जरूरत नहीं है। कानपुर, ठीक, गीता, ठीक, तो इनके पहले आर्टिकल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे हम बात करें तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ऐसा नाउन, ऐसा नाउन जो रिप्रेजेंट करता है किसी क्लास या फिर किसी कैटेगरीज को, ठीक है। ऐसा नाउन जो किसी क्लास या फिर, ठीक है, कैटेगरी को डिसाइड, कैटेगरी को बात करता है, ठीक है। आओ देखो इसके साथ करना क्या होता है कि देखो यहाँ पर हमने देखा है कि फर्स्ट लेटर क्या था, अपर केस पर, यहाँ पर कहानी थोड़ा सा रहती है चेंज, इसका जस्ट अपोजिट है ये, प्रॉपर नाउन का जस्ट अपोजिट है कॉमन नाउन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर होता है, यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है लोअर केस पर, ठीक है, लोअर केस पर, ठीक। और इनके साथ यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं था, यहाँ पर क्या होता है आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ मैं, तो मैंने जैसे लिखा हुआ आई हैव अ कार, ठीक है, तो कार हमारा, देखिए कार हमारी कॉमन नाउन, इस कॉमन नाउन से पहले किसका जिक्र हुआ है आर्टिकल का, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देखो चलो आगे आगे और भी देखते हैं, ठीक है, आगे हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं।
देखो आगे जिक्र करें हम मटेरियल नाउन का, तो मटेरियल नाउन है क्या, देखिए एक ऐसा नाउन जो किसी सब्सटेंस और मैटर की बात करता है, एक ऐसा नाउन जो हमें सब्सटेंस और मैटर बताने की बात करता है वो हमारा कहलाता है कैसा, मटेरियल नाउन। ठीक है, सब्सटेंस या फिर मैटर बताने वाला नाउन हमारा कहलाता है मटेरियल नाउन। ठीक है, दूसरी बात, इस मटेरियल नाउन के साथ ठीक है मुझे आर्टिकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, आर्टिकल मतलब ए और एन लिखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, किसके साथ, मटेरियल नाउन के साथ। ठीक है, मटेरियल नाउन के साथ मुझे आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल का अगर मैं जिक्र करूँ तो जैसे मैंने लिखा हुआ है गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आयरन। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का अगर जिक्र किया जाए तो अगर बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो ग्रुप ऑफ सिमिलर होता है, मतलब लोगों का समूह, जो बातचीत जो होती है ना भैया ग्रुप में होती है। ठीक है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं ग्रुप वर्ड, जो भी ग्रुप वर्ड होते हैं वो सब हमारे कलेक्टिव नाउन का काम करते हैं। देखो अगर इनके इनके लिए बात करूं तो एग्जांपल में आप ऐसे कह सकते हो जैसे क्लास किसकी होती है, लोगों की क्या, स्टूडेंट की क्लास होती है। ठीक है, अगर जिक्र किया जाए तो जैसे फैमिली वर्ड है तो फैमिली हमारा ग्रुप। ठीक है, एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है बेबी, सुंदर महिलाओं का समूह। ठीक, जूरी जजों का समूह, क्लर्जी, ठीक है, पादरी जो चर्च के पादरी होते हैं उनके समूह को बोलते हैं क्लर्जी। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे जरा देखो, लास्ट पॉइंट है इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब अगर इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाए तो मैंने जो दूसरी कैटेगरी लिखी थी फेल्ट वल्ली वाली बातचीत, वो यहाँ पर शो करती है। फेल्ट वल्ली ये वो वर्ड होते हैं जो हमें फीलिंग, एक्शन, ठीक है, क्वालिटी और स्टेट बताने की बात करते हैं। देखो क्वालिटी बताने का मतलब क्या है, स्टेट बताने का मतलब क्या है, आओ जरा देखो क्वालिटी बताने की बातचीत है। देखो हमने लिखा है सर क्या, हॉनेस्ट। ठीक है, हॉनेस्टी ये एक क्वालिटी है सर, क्वालिटी है। ठीक है, उसके अलावा मैं केवल इसके एग्जांपल्स ही बताता हूँ। ठीक है, हॉनेस्टी हो गया हमारा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो लव, ठीक है, इसका जिक्र करें तो ये हमारा फीलिंग्स है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम जिक्र करें हेट वर्ड का तो ये फीलिंग्स के वर्ड है। उसके अलावा एक वर्ड लिखा भेजे थे मैंने नॉलेज, ठीक, इस नॉलेज वर्ड का अगर मैं जिक्र करूं तो नॉलेज वर्ड का जिक्र करूं, ठीक है, तो मैं इसको बनाना बता देता हूं आपको। आप ऐसे भी कह सकते हो कि कुछ वर्ड जिनके साथ हम सफिक्स करें बनने वाला नया वर्ड, ठीक, बनने वाला नया वर्ड बनाता क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बनाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने आराम से अच्छे से जरा पढ़े। ठीक है, आगे का डिस्कशन में लेके चलता हूँ।